स्थानीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने शुरू करी तैयारियां। पार्टी प्रभारियों ने संभावित प्रत्याशियों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करी। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज होने के साथ ही कांग्रेस पार्टी ने भी चुनाव के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी द्वारा नवाबगंज नगर पालिका परिषद और सेंथल नगर पंचायत चुनाव के लिए नियुक्त किए गए तहसील प्रभारियों ने आज नवाबगंज नगर में बैठक कर पार्टी कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मोहल्ला नई बस्ती में रईस अहमद के आवास पर हुई कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में पहुंचे जिला प्रवक्ता पंडित राज शर्मा और पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जुनेद हसन ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारियों में जी जान से जुट जाने की अपील करी। इस दौरान नगर के 25 वार्ड में से सभासद का चुनाव लड़ने के लिए 1.5 दर्जन के करीब लोगों द्वारा आवेदन पत्र दाखिल किए गए। चेयरमैन पद के लिए रियाज अहमद अंसारी ने भी अपना आवेदन पत्र चुनाव प्रभारियों को सौंपा। चुनाव प्रभारियों ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आपसी भेदभाव भुलाकर चुनाव में जी जान से जुटने के दिशा निर्देश दिए। प्रभारी पंडित राज शर्मा और जुनेद हसन ने दावा किया है कि इस बार कांग्रेस पार्टी नवाबगंज नगर में कम से कम 15 वार्ड में जीत हासिल करने जा रही है और चेयरमैन पद पर भी भारी जीत हासिल करेगी। कार्यक्रम में पहुंचे नगर प्रभारियों पंडित राज शर्मा और जुनेद हसन का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने द्वारा फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। बैठक में पार्टी के संभावित प्रत्याशी रियाज अहमद अंसारी, ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर दत्तराम गंगवार, पूर्व उपाध्यक्ष के साथ साथ तमाम लोग जिस तरीके से जिनके में हम नाम आपको बताने जा रहे हैं कि यहाँ पर पहुँचे। आपको बता दें कि पूर्व अध्यक्ष कुंदन लाल एडवोकेट, नवाबगंज नगर अध्यक्ष अरशद अली, अल्पसंख्यक कांग्रेस के नगर अध्यक्ष मोहम्मद सलीम अंसारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर शमसुल हसन, रियाज अहमद, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद नियाम, डॉक्टर मोहम्मद यूनिस, साहिद सिंगनिया, मोहम्मद रिजवान गुलजार, अहमद मोहम्मद उनवान, सबसाद जलील अहमद, राजेश कुमार खन्ना, जयंती प्रसाद, मोहम्मद इसराद आदि के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उस पर एक बड़ी चर्चा जो है वो करी गई। आरसू न्यूज के लिए आप देख रहे हैं नवाबगंज से अखलाक अंसारी की रिपोर्ट। सर जलील साहब आपका नाम है, यहाँ पर जलील अहमद साहब सर मौजूदा दो सभासद हैं और उनका और बाकी यूनुस भाई एक सिंगानिया का नाम मुझे याद रहा था और बाकी सब यहाँ बैठे हैं और मेरे संग आई है ज्ञानेंद्र गंगवार साहब और आपका सबका धन्यवाद। बात सिर्फ इतनी सी है कि अभी रियाज भाई कह रहे थे, रियाज भाई का नाम भी लेने था, ये महत्वपूर्ण इंसान है और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अगर कमी किसी भी चीज़ की हो जाए लेकिन वफादारी की कमी नहीं होनी चाहिए। टिकट एक ही को मिलेगा, सभा सबका, चेयरमैन का एक ही को मिलेगा, दावेदार तीन हो सकते, ये अपने अंदर एक बात बांधनी पड़ेगी कि जिसको मिल जाए उसको लड़ाया जाएगा और हमारा किसी से लालच नहीं हमें तो आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी चुनाव बहुत जल्दी आने वाले हैं तो यहाँ पे जो हम लोगों का आता हमें हमारी पार्टी ने प्रभारी बनाया है। मेरे संग ये जिला के उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य जुनेद हसन एडवोकेट साहब, मैं जिला का प्रवक्ता हूँ राज शर्मा, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूँ। हम लोगों को प्रभारी बनाया है कि जिससे हम लोग अच्छे प्रत्याशियों का चयन कर सकें, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे आना। नवाबगंज में प्रत्याशी अपने उतार नहीं, अभी उतारना तो है ही, पूरे 25 वार्ड हैं, मुझे लगता है 25 वार्ड हैं, हम सब में लड़ेंगे और चेयरमैन के लिए भी लड़ाएंगे। हमारे यहाँ एक एक वार्ड से चार चार पाँच पाँच लोग आवेदन कर रहे हैं। चेयरमैन के प्रत्याशी नवाबगंज में घोषित नहीं, अभी नहीं, अभी हमारी हैं और हमारे पास बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं जिन्होंने आवेदन करा है और उन पे होगा और संभवतः आपको बहुत बेहतरीन प्रत्याशी थे। क्या लगता है कि कांग्रेस इस बार कैसी जीतेगी? साहब आपको एक चीज जरूर बड़ी बेदागी से अवगत करा दूं, कांग्रेस के लिए चेयरमैनी जीतना कोई पहला सिगफा नहीं होगा और निश्चित रूप से आप मानिए कि कांग्रेस का यहाँ पे चेयरमैन होगा और ज्यादा से ज्यादा सभासद हमारी पार्टी के। अभी तक कितने लोग आ चुके हैं? हमारे पास 30-35 लोगों की लिस्ट है, अभी हमारे कम से कम नहीं तो 17-18 वार्डों से दो दो चार चार लोग आ गए, बाकी 2-4 वार्ड और बचे, उनके आवेदन शायद ले गए हैं और वो अभी दे नहीं पाए। अगर कांग्रेस बनती है तो क्या करेंगे आप? नहीं, बेसिकली मैं प्रभारी हूँ, जब हमारा जो चेयरमैन करेगा ये सवाल उनसे होता
जो संभावित आपको लगते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि उसका जवाब वो ज़्यादा अच्छा दे सकते हैं। आज की जो हमारी बैठक थी, ये मासिक बैठक नगर पालिका क्षेत्र नवाबगंज में हुई और निकाय चुनाव 2023 से संबंधित बैठक थी। इसमें हमने नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पद के प्रत्याशी आवेदक और सभासद प्रत्याशियों से आवेदकों से बात की है और हम ये कोशिश करेंगे, हमारा पूरा प्रयास होगा कि कांग्रेस नगर पालिका परिषद नवाबगंज में बहुत मजबूत चेयरमैन प्रत्याशी देगी और हर वार्ड में अच्छे प्रत्याशी हम लोग दे देंगे। ये हमारा भरसक प्रयास रहेगा। जो कांग्रेस जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए हमारा यही संदेश है कि पूर्व विचार विमर्श करने के बाद जो भी प्रत्याशी हम लोग चेयरमैन पद पर दें या सभासद पद पर देंगे, उसको सभी कार्यकर्ता पूरे तन मन धन के साथ लड़ाएंगे और एक अच्छा रिजल्ट हम नवाबगंज तहसील से, जो हमारी दो, एक नगर पालिका परिषद नवाबगंज एक सेथल है, दोनों में हम बढ़िया रिजल्ट देंगे, ऐसा हमारा पूरा प्रयास रहेगा।